पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। बदन सिंह बद्दो की फरारी के मामले में पेश फंस चुका है। फरारी प्रकरण से मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को बचाने के जुगत के आरोप के चलते अब संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता और शहर पुलिस भी कटघरे में आ गई है। पैसा दिया गया अथवा नहीं दिया गया यह जांच का विषय जरूर है, लेकिन दोनों की ही साख पर पट्टा जरूर लग गया है। मुकेश गुप्ता के भाई नरेश कंसल व्यापार संघ अध्यक्ष को इस एवज में 10 लाख रुपए देने की बात तो बराबर कह रहे हैं, लेकिन जब बात पुलिस की आती है तो उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। उन्हें याद आ जाता है कि नाम बदनाम करने के आरोप में किस तरह उनके भाई के थाने में बेरहमी से पिटाई की गई थी। यह बात उन्होंने स्वयं कई बार और कई मर्तबा बताई। अब उनकी स्थिति इधर कुआं तो उधर खाई जैसी है। वहीं नवीन गुप्ता एकांतवास में बताए गए हैं। कुल मिलाकर इस प्रकरण को लेकर संयुक्त व्यापार संघ की राजनीति में जबरदस्त उबान है। सत्ताधारियों की मर्जी के बिना अध्यक्ष पद पर बराबर बने रहने की जिद का खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ रहा है। जिस वक्त बदन सिंह बद्दो मुकुट महल से फरार हुआ, उस वक्त यहाँ नितिन तिवारी SSP व अखिलेश नारायण सिंह SP सिटी पद पर कार्यरत थे। नितिन तिवारी का स्थानांतरण हो गया, जबकि अखिलेश बराबर इस पद पर बने चले आ रहे हैं। कई बार उन्हें लेकर माहौल गर्माया भी, लेकिन वह लखनऊ में अपनी धमक के चलते स्वयं को बचा ले गए। दरअसल बीते 28 मार्च को कुख्यात बदन सिंह बद्दो मुकुट महल से भाग गया था। वह भी तब जबकि मेरठ में PM मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। बावजूद इसके बदन सिंह सुरक्षित निकल गया। सवाल उठना लाजमी है, कैसे? पुलिस ने केबल कारोबारी व मेट्रो प्लाजा व्यापार संघ महामंत्री अनिल छावड़ा, डिपिन सोरी, पपित बड़ला, संयुक्त व्यापार संघ मंत्री लल्लू मक्कड़, करण पब्लिक स्कूल के संचालक भानु प्रताप, सोनू सहगल, मिक्की सरदार और अरुण व 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ उस वक्त मुकदमा दर्ज किया था। भानु प्रताप, लल्लू मक्कड़ और डिपिन सोरी व सोनू सहगल आदि की गिरफ्तारी भी कर उन्हें जेल भेजा गया था, जहां से वे अब जमानत पर बाहर हैं। मुकुट महल मालिक मुकेश गुप्ता ने गिरफ्तारी के अगेंस्ट स्टे ले लिया था। अब जब कानपुर के विकास दुबे का मामला सामने आया तो पुलिस एकाएक ही सोते से जाग गई। बदन सिंह के करीबियों को STF ने उठाया और ठोक बजाकर छोड़ दिया। इसी क्रम में मुकेश गुप्ता को उठाया और जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जमानती न मिलने के कारण मुकेश को जेल भेजा गया। वहीं नरेश कंसल का कहना है कि मुकेश के हिरासत में यह कहते हुए पिटाई की गई थी कि उनकी वजह से पुलिस की किरकिरी में बदनामी हुई है, जमानतियों की कोई कमी नहीं थी। मामला ADG राजेश सब्बरवाल तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस की संलिप्तता के आरोपों की जाँच IG को कराने के निर्देश दिए, जिस पर गाजियाबाद SP देहात नीरज जाधव को जाँच सौंप दी गई। बीते दिवस मेरठ मंडप एसोसिएशन की बैठक में नरेश कंसल ने आपबीती बताई और नवीन गुप्ता पर पुनः सभी आरोप दोहराए, साथ ही भविष्य में अपने साथ अनिष्ट होने की आशंका भी जताई। बैठक में नवीन गुप्ता से किनारा करने की बात सभी व्यापारियों से की गई। बैठक में यह भी कहा गया कि नवीन गुप्ता पर संघ का करीब 9 लाख रुपया रखा हुआ है, जिसे वह बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि बैंक खाता सीज होने के कारण उसमें रकम नहीं डाली जा पा रही है। इसकी पुष्टि के लिए 10 रुपये खाते में डाले गए तो वह जमा भी हो गए, यानी अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई पाबंदी नहीं है। बता दें कि आरोप प्रत्यारोप लगने व संयुक्त व्यापार संघ के कमजोर पड़ने पर सत्ताधारी संगठनों का भारी दबाव था कि नवीन गुप्ता पद से हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह भी बताया जाता है कि इस पर RSS आदि का मंथन हुआ और एक समानांतर व्यापार संघ अजय गुप्ता की अगुवाई में खड़ा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह नाराजगी भी नवीन गुप्ता को भारी पड़ रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए First Bite.tv। नमस्कार।